हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्ज़ाम हेल्पर में। तो आज हमारा जो है टारगेट एसएससी एमटीएस जीडी 2021 के लिए पार्ट फोर्थ होने वाला है, जिसमें हम जो है प्रीवियस ईयर जीके के क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करते हैं, जो कि आपके जो एग्ज़ाम हुए थे एसएससी एमटीएस के और जीडी के जो ऑल शिफ्ट हुए थे उसके, वहाँ से हम जो है इसके क्वेश्चन निकालते हैं और वो आपको करवाते हैं, जो कि बार बार रिपीटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो हम कराते हैं। इसका जो है टोटल 1500 क्वेश्चन ये होने वाले हैं। तो आज इसका पार्ट फोर्थ है, पार्ट तीन ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो जाइए सबसे पहले उन्हें देखिए, यही आपके एग्ज़ाम में आपको रिपीट होकर देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको मालूम होगा जो आपका एग्ज़ाम है वो अक्टूबर 2021 में है एसएससी एमटीएस का और उसके बाद जीडी का होने वाला है। तो यार चलिए हम आपको इसका पहले सोर्स बता देते हैं, हम कहाँ से लेते हैं इसके क्वेश्चन। तो देखिए ये हमारा सोर्स है, देखिए ये एमटीएस की फाइल है, जैसा कि मालूम होगा आपको आंसर की जाती है जब ऐसी फाइल आती है, ये जीडी की फाइल है। ठीक है, तो यहाँ से जो है हमने इसका क्वेश्चन लिए हैं पिक करके। ठीक है, तो इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कराते हैं। तो सबसे पहले यार मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए, और जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। नेक्स्ट पार्ट हम इसके डेली पार्ट जो है अपलोड करते हैं, आज चौथा पार्ट है, कल पाँचवा पार्ट आएगा। तो डेली आपको ये वीडियो देखना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं, और इस वीडियो में हम मात्र 10 मिनट के अंदर 25 क्वेश्चन करते हैं, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेते हैं। ठीक है, टाइम उतना ही है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, और डिटेल वाइज चलते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन पूछा गया था कि किस देश ने 19वीं शताब्दी से सार्वभौमिक मताधिकार किया, यानी कि जो मताधिकार होता है, जो वोट देने की जो प्रथा होती है, वो 19वीं शताब्दी से किसने जो है स्टार्ट कर दिया था। तो ये न्यूजीलैंड था, इसने ये स्टार्ट किया था। ठीक है, सबसे पहले वोट देना सार्वभौमिक, यानी कि महिला और पुरुष दोनों ही इसमें वोट दे सकते थे। ठीक है, दूसरा है कि उड़ीसा में सबसे बड़ी अप्रवाही पानी की झील कौन सी है, यानी कि जो प्रवाहित नहीं होती है, रुकी हुई झील है, तो वो है आपकी चिल्का झील। और ये जो है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कौन सी? खारे पानी की झील, यानी कि इंडियाज हाईएस्ट सॉल्टेड लेक, इसे हम बोलते हैं खारे पानी की झील है, भारत की सबसे बड़ी। ठीक है, इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो उड़ीसा में मात्र एक ही झील है, तो ये वो हो जाएगी चिल्का झील। ठीक है ना, इसके बाद जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि एक ऐसे नृत्य का रूप है जो कला में हिंदू और मुस्लिम विशिष्टता के अद्भुत संयोग का प्रतिनिधित्व करता है, और आपको ये चार ऑप्शन दिए गए थे, उड़ीसी, कथकली, मणिपुरी और कथक। ठीक है, तो यानी कि उसमें एक ऐसा एक नृत्य है जो कि भारत में ही होता है, जिसमें कि देखिए मैं जूम कर देता हूँ, जिसमें कि आपको कला हिंदू की दिखेगी और मुस्लिम विशिष्टता के अद्भुत संयोग का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये हो जाएगा आपका कथक। कथक एक ऐसा नृत्य है जिसमें आपको हिंदू और मुस्लिम जो मिक्सअप है उसका देखने को मिलता है। ठीक है, एकमात्र नृत्य है। ठीक है, आपका जो एसएससी एमटीएस या जीडी है वो इसमें आपको 2 से 3 मिनिमम क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में आपको देखने को मिलेंगे, लोक नृत्य, लोकगीत वगैरह से, तो आप इसको रट के जाइएगा बिल्कुल। ठीक है, तो कथक हम देख लेते हैं कहाँ पर होता है। जैसा कि आपको मालूम है उत्तर प्रदेश जो है वहाँ पर कथक होता है, उड़ीसा में होता है, कथकली केरल में होता है, मणिपुर में होता है। ठीक है, तो कथक का एक हम फोटो देख लेते हैं, इससे आपको याद रहेगा। ठीक है, तो आपको ये कथक का फोटो दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पर जो है इसमें आपको जो है इंडियन महिला दिख रही होगी, और जो इसकी वेशभूषा है जैसे कि आपको ग्रीन कलर दिख रहा होगा, तो ज़्यादातर जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो इसको पहनते हैं, तो आपको यहाँ से याद रख लीजिएगा इस चीज़ को। ठीक है ना, तो मुस्लिम और हिंदू का मिक्सअप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बेगम हजरत महल जो है भारत के किस विद्रोह से संबंधित है। तो सबको मालूम है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उससे ये संबंधित है, तो जिसे हम सिपाही विद्रोह भी कहते हैं 1857 का, तो वहाँ से ये संबंधित हो जाएंगे। ठीक है, और इनका जो संबंध है वो किस क्षेत्र से था, तो ये लखनऊ से लड़ी थी बेगम हजरत महल 1857 के युद्ध में, और इस समय भारत का जो वायसराय था वो कौन था, तो वो थे लॉर्ड कैनिंग करके, है ना, लॉर्ड कैनिंग। और 1857 की जो क्रांति थी इसका जो मूल कारण था वो क्या था, चर्बी वाले कारतूस थे। ठीक है, और इसके बाद इसका जो चिन्ह था, प्रतीक चिन्ह वो क्या था, तो कमल का फूल और चपाती जिसे हम रोटी बोलते हैं वो इसका चिन्ह था। ठीक है, तो ये सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई थी, उस क्रिकेटर का नाम बताइए। ठीक है, तो सौरभ गांगुली जी हैं इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, उन्हीं की जो आत्मकथा है सेंचुरी इज नॉट इनफ करके, और वर्तमान में जो सौरभ गांगुली है ये
बीसीसीआई के कौन है अध्यक्ष हैं, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है, इसके अध्यक्ष हैं। इसके बाद जो है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित किया गया था, तो वर्ष 2005 में, जिसे हम नरेगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नरेगा, ठीक है, नरेगा बोलते हैं, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट करके। तो 2005 में ये आया था, और मनरेगा कब आया था, तो वो 2009 में आया था मनरेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा किसकी है, तो सबको मालूम है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, इनकी जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी हुई है वो सबसे ऊंची विश्व की प्रतिमा है, जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहते हैं। और इसका जो अनावरण है वो कब किया गया था, 31 अक्टूबर 2018 को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा। कहाँ पर किया गया था? गुजरात में किया गया था, गुजरात के केवड़िया में, याद रखिएगा, गुजरात के केवड़िया में। कहाँ पर किया गया था? और ये नर्मदा नदी पे किया गया था, सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध पर, ठीक है, सरदार सरोवर बांध का याद रखना, और नर्मदा नदी जो थी उसके बगल, उसके ऊपर किया गया था इसका अनावरण, ठीक है। और ये विश्व की सबसे ऊंची जो है प्रतिमा है, और इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 187 मीटर, ठीक है, 187 मीटर और 597 फीट, फीट में याद रखना, ठीक है, दोनों ही आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो बुक है, देखिए दो बुक से पूछेगा, ठीक है, तो बुक से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछता है आपका एसएससी एमटीएस और जीडी। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किसके के लेखक कौन है, तो बहुत ही फेमस पुस्तक है, कपिल देव की ये पुस्तक हो जाएगी, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। और कपिल देव जो है 1983 में उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया था इंडिया को, ठीक है, तो याद रखिएगा ये भी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं है, तो तीन होते हैं शामिल त्रिस्तरीय प्रणाली में, जिसमें जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत होता है, ग्राम समिति इसमें जो है शामिल नहीं होता है, ठीक है। और ये समिति किसकी सिफारिश पर लाई गई थी त्रिस्तरीय प्रणाली, तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर इसे अप्लाई किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य की समुद्री जो तट रेखा है ये सबसे लंबी, यानी कि जो हमारा जो है ना, ये कुछ इस तरीके से मैं एक दोहरा बना देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से कुछ, ठीक है, जो भारत है अपना, ये इस तरीके से, तो ये गुजरात हो जाएगा, यहाँ पर आपको मालूम होगा गुजरात करके, है ना, फिर यहाँ पर आपको मुंबई है, फिर गोवा, कर्नाटका, तो गुजरात की जो सीमा है ना, गुजरात की ये सबसे लंबी तटीय है। उसके बाद इधर देखें तो आंध्र प्रदेश की सबसे लंबी हो जाएगी, ठीक है। अगर आपसे ये पूछता कि ओवरऑल पूछिए उसने, देखिए किस राज्य की, तो गुजरात हो जाएगा। अगर पूछता पश्चिम में किसकी है इधर की साइड, तो गुजरात। अगर पूर्व में पूछता तो आंध्र प्रदेश, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, किस युद्ध में नेपोलियन की पराजय हुई थी, ठीक है, तो 1815 का युद्ध था जो कि बेल्जियम में हुआ था, वाटरलू का युद्ध जिसे कहते हैं, किसका, वाटरलू, इंग्लिश में ऐसे लिखा आता है, वाटरलू का युद्ध युद्ध में जो है इसकी पराजय हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रक्त ग्रुप वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल डोनर यानी कि सर्वदाता कहा जाता है, तो कौन सा हो जाएगा, ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव याद रखना, ओ नेगेटिव जो होता है ये सर्वदाता, याद है, यानी कि ये किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है, ठीक है। और जो सर्वग्राही होता है वो कौन होता है, तो सर्वग्राही कौन हो जाएगा, सर्वग्राही हो जाएगा आपका ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, योजना आयोग का गठन, चलिए मैं एक ट्रिक बता देता हूँ आपको, ठीक है, तो देखिए ए बी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव है, देखिए ए बी ये दो हैं, दो लोग, और पॉजिटिव है, तो यानी कि ये लेते होंगे कुछ ना कुछ, और दो लोग हैं, दो लोग जुड़ के पॉजिटिवनेस बनाएंगे और लेते भी होंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, सर्वग्राही, यानी कि अगर जुड़ रहा है तो कुछ ना कुछ इसमें मतलब सर्वग्राही है, मतलब ये ग्रहण करते हैं सबसे, तो जुड़ गए। अब वो निगेटिव है, वो सर्वदाता है, तो वो मतलब दे के माइनस में चला गया, मतलब दे दे के माइनस में चला गया वो, ठीक है, तो इस तरीके से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो 15 मार्च 1950 को जो है योजना आयोग का गठन होता है, जैसा कि आपको मालूम होगा। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, सबसे पहले कौन थे, जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, ठीक है। अभी 1 जनवरी 2015 को, कब, 1 जनवरी 2015 को इसका नाम क्या कर दिया गया, नीति आयोग कर दिया गया, जिसके पहले अध्यक्ष बनते तो नरेंद्र मोदी हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा बहुकोशिकीय जानवर नहीं है, ठीक है ना, यानी कि जिसमें मल्टीपल जो कोशिकाएं होती हैं वो नहीं होती, तो किसमें नहीं होती, अमीबा में नहीं होती, ठीक है। तो मानव हमारे अंदर तो बहुत सारी होती है, बिल्ली में भी होती है, घोड़े में भी होती है, अमीबा जो है एक कोशिकीय होता है, ये कैसा होता है, एक कोशिकीय होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। और इसमें पूछा गया था कि बहुकोशिकीय नहीं है, तो ये जो हो जाएगा अमीबा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिए, मिग 21 क्या है, एक फाइटर प्लेन है, इसको उड़ान भरने वाली पहली महिला भारतीय वायुसेना अधिकारी कौन बनी थी, तो अवनी चतुर्वेदी थी, जिन्होंने मिग 21 को पहली बार उड़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि फ्रांस
प्रथम विश्व युद्ध में अपने प्राणों का बलिदान करने वाले भारतीय सैनिकों की याद में बनाए गए अखिल भारतीय युद्ध स्मारक को आज किस नाम से जाना जाता है? तो इंडिया गेट, जैसा कि आपको मालूम होगा दिल्ली में जो इंडिया गेट स्थित है वहाँ पर आप दीवालों पर देखेंगे तो उसमें जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर 1918 के बीच, वहाँ पर जो सैनिक शहीद हुए थे उनके नाम लिखे गए हैं, ठीक है, उस पर इंडिया गेट में दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा सबसे कठोर पदार्थ है? तो कौन सा हो जाएगा? हीरा, सबको मालूम है। ये ऑप्शन में थे कोयला था, लोहा, चांदी, तो हीरा हो जाएगा। अगर आपसे धातु पूछता धातु कौन सी है तो जाएगी प्लेटिनम। कौन सी? प्लेटिनम करके, प्लेटिनम जो धातु है ये सबसे कठोर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक और साइंस से पूछा गया था, स्पर्श के कारण पौधों में होने वाली दिशात्मक वृद्धि क्या कहलाती है? यानी कि हम पौधों को स्पर्श करते हैं तो उसमें होने वाली दिशात्मक वृद्धि क्या कहलाती है? तो स्पर्शानुवर्तन कहलाती है। क्या कहलाती है? स्पर्शानुवर्तन। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए से रिलेटेड क्वेश्चन था कि इसने किस वर्ष में लोकतांत्रिक जो है संविधान को अपनाया था? तो लोकतांत्रिक इसने संविधान कब बनाया था? 1787 में अपनाया था। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि 1776 में ये आज़ाद होता है, किससे? ब्रिटेन से। ठीक है, ब्रिटेन से आज़ाद होता है और 1787 में ठीक 11 साल बाद इसने संविधान अपना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत जो सरकार, इसने आपको मालूम होगा 500 और 1000 रुपये के नोट बंद किए थे, सबको मालूम कब किए थे? 8 नवंबर 2016 को। ठीक है, तो ये तो बताना ही नहीं है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, इसके बाद पूछा गया था कि सबसे छोटा जीवित पक्षी कौन सा है? तो आपको फोटो में जैसा कि दिख रहा होगा, मैंने फोटो लगाने का प्रयास किया जिससे आपको याद रहे, देखिए बिल्कुल हाथ में भी आ गया, हाथ में ही कितना छोटा है, मतलब देख रहे हैं आप, तो ये कौन सा हो जाएगा? सबसे छोटा हमिंग बर्ड इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, सबसे छोटा पक्षी है ये आज की डेट में। ठीक है, इसके बाद है कि 1192 के तराइन के युद्ध में, 1192 का जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, पहला कब हुआ था? 1191 में। ये द्वितीय युद्ध था जिसमें पृथ्वीराज चौहान को किसके हाथों पराजित हुए थे? तो सबको मतलब मोहम्मद गौरी के द्वारा हुए थे। 91 में मोहम्मद गौरी ने, 91 में जो युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान जो थे इन्होंने इसको हराया, फिर 92 में इन्होंने इसको हरा दिया, तो बराबर हुई बात, खत्म। ठीक है, नेक्स्ट है 23वां की मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता था? तो अभी 2021 का क्वेश्चन है, ये उस समय पूछा गया था कि मिस वर्ल्ड 2018 का किताब किसने जीता था, तो हम इसमें करेक्शन कर लेंगे, मिस वर्ल्ड नहीं होगा यहाँ पर, यूनिवर्स होगा। क्या होगा? मिस यूनिवर्स करके आप याद रखिएगा, मिस यूनिवर्स। तो मिस यूनिवर्स 2021 का किताब किसने जीता? एंड्रिया मेज करके हैं, एंड्रिया मेजा कहाँ की है? ये मेक्सिको की हैं। ठीक है, याद रखिएगा। भारत में स्वतंत्र होने के बाद, जब भारत आज़ाद हो गया उसके बाद पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम पर आधारित हिंदी फिल्म कौन सी है? तो ये थी गोल्ड। भारत जब आज़ाद हो गया था उसके बाद जो हमारी हॉकी की टीम है उसने गोल्ड मेडल जीता था उसके ऊपर, भारतीय हॉकी टीम ने, तो उसके ऊपर एक फिल्म बनी थी, आपको मालूम होगा अक्षय कुमार की फिल्म गोल्ड, ये उस समय ही बनी थी 18-19 में, तो वहीं से ये क्वेश्चन उस समय पूछा गया था। ठीक है, तो करंट से देखिए आप 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महानदी और गोदावरी के डेल्टा देश मिट्टी से समृद्ध हैं, तो कौन सी मिट्टी हो जाएगी? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टी से समृद्ध है महानदी और गोदावरी नदी के डेल्टा। महानदी आपको मालूम है कहाँ पड़ती है? उड़ीसा में। ठीक है, महानदी उड़ीसा में, और अपना जो गोदावरी है ये कहाँ पड़ती है? महाराष्ट्र के नासिक में। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये जो 25 क्वेश्चन थे हमने इस वीडियो में कर लिए हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर कर दें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, कल नेक्स्ट पार्ट आएगा। और साथ ही हम अदर इन गवर्नमेंट एग्जाम की इन्फॉर्मेशन भी चैनल पर देते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।